सीधा आपको सुनाते हैं गुर्जर प्रतिनिधिमंडल और राज्य सरकार के बीच वार्ता के बाद मंत्री अशोक चांदना क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर, बैकलॉग एमबीसी के लिए भी लागू होगा, इसके ऊपर सबके आपस में रजामंदी बन चुकी है। एक कंप्यूटर भर्ती के अंदर 500 में से 490 पद खाली रहे, उसकी वजह रही कि बेसिक नंबर्स जो थे वो जनरल ओबीसी के बराबर एमबीसी के रखे गए थे, वहाँ एससी और एसटी को विशेष शिथिलता दी गई है पूर्व में, उसी विशेष शिथिलता को एमबीसी वर्ग को भी दिया जाएगा और भविष्य में ये भर्तियाँ उस शिथिलता के अनुसार पूरी भरेंगी, इस प्रकार की भी आज चर्चा हो गई है और इसको, इस नियम को भी भविष्य की सभी भर्तियों में लागू किया जाएगा। रीट 372-233, नर्सिंग 2013 और 1250 पदों की पदोन्नति के संबंध में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसमें चारों विभागों के बड़े अधिकारी सारे नियम देखकर इसमें किन किन के अंदर जल्द से जल्द सहूलियत दी जा सकती है, एक महीने का समय कमेटी को दिया गया है कि एक महीने के अंदर उनको फैसला कर देना है और जो फैसला कमेटी के आएगा उसका उसको तुरंत लागू सरकार करेगी, ये भी आज की मीटिंग में तय हो गया है। केसेस के ऊपर भी हम लोगों ने तय करके इसमें बता दिया गया है। छात्रवृत्ति योजना की जो पेंडेंसीज थी वो तकरीबन जब आरक्षण संघर्ष समिति ने उनका मेमोरेंडम दिया, हमें इस बात की खुशी है कि मेमोरेंडम दिया और अभी से 70-80% तो छात्रवृत्तियाँ निकल चुकी हैं, बाकी छात्रवृत्तियाँ भी मुश्किल से मुश्किल 15 दिन के अंदर सारी निस्तारण कर दी जाएंगी, इसके ऊपर चर्चा और सहमति बन गई है। गुरुकुल योजना के संबंध में भी कुछ पॉइंट्स आरक्षण संघर्ष समिति ने उठाए हैं, उस योजना का थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच समिति बैठकर इसके ऊपर रिपोर्ट देगी और जो नए सुझाव भी आएंगे उसमें सुधार करने के लिए उन सब सुझावों के ऊपर जल्द से जल्द जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी। एक बहुत बड़ी और सौगात जो मैं मानता हूँ कि चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल महाविद्यालय में जो राजकीय सीटें हैं राजस्थान की, उसमें एससी एसटी की ही तर्ज पर एमबीसी वर्ग को भी ट्यूशन फीस की छूट एससी एसटी की तर्ज पर ही दी जाएगी, ये भी मैं समझता हूँ कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी मलहम के रूप में, एक बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में होगा और मुझे तो ये बताते हुए खुशी है कि जो भी पॉइंट्स आरक्षण संघर्ष समिति के थे उन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब पॉइंट्स के ऊपर पॉजिटिव वो रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को 90% पॉइंट्स को समाधान तुरंत करवाने का और फैसला लेने का काम हुआ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और मैं बधाई देना चाहता हूँ आरक्षण संघर्ष समिति को भी कि आप लोगों ने जो पॉइंट्स उठाए और जो बारीकियाँ पकड़ी, जो विसंगतियाँ थी, जो कुछ कमियाँ थी उनको आपने अच्छे से पकड़ा और उस वजह से कई पॉइंट्स के ऊपर सरकार का भी ध्यान आकर्षण हुआ और भविष्य में इस प्रकार की विसंगतियां और इस प्रकार की कमियां नहीं रहे, इसके ऊपर भी सरकार काम करेगी। सर, अब तो क्या माना जाए, भारत जोड़ो यात्रा का जो स्वागत सत्कार होगा उसमें तमाम एमबीसी समाज के लोग भी शामिल होंगे, आप लोगों ने 4 दिन की जो मशक्कत रही, जो एक्सरसाइज रही वो सफल होती है, पूरी तरह से सफल मान रहे हैं आप अपने नजरिए से, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक सफल यात्रा है, जो राहुल जी देश में, आज कोई चुनाव नहीं है, आज कोई वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, कोई वोट की चुनाव की रैली नहीं है, उनका केवल ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम मत लड़ो, गुजर मीणा मत लड़ो, जाट राजपूत मत लड़ो, नफरत की राजनीति खत्म होनी चाहिए, प्यार सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, मान सम्मान की राजनीति होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो ये चाहता है। एक राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब उस राष्ट्र में प्यार मान सम्मान का संचार हो और एमबीसी की तरफ से यात्रा के संबंध में क्या रहेगा, मैं समझता हूँ कि भाई विजय भैंसला जी उसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो आप ये मंत्री जी, आप ये मान रहे हैं कि आपके और आपकी टीम के एफर्ट्स रहे कि इतनी पुरानी जो मांगे रही इस पर आप लोगों ने काम किया, मुख्यमंत्री के बीच में एक सेतु का आप लोगों ने काम किया, आपकी टीम का पूरा क्या, किस तरह से आपकी टीम? मैं समझता हूँ कि आरक्षण संघर्ष समिति ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, निरंतर संघर्ष किया है और अपने मुद्दों के ऊपर मजबूती से डटे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल रखते हुए हर समस्या का समाधान करने की मानसिकता रखते हुए हमें दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं और उसी वजह से ये समाधान हो सका है।
फैसला साहब बताइए सर, क्या किस तरह से रहा, देखते हैं आप चार दिन की इस वार्ता को और लंबा संघर्ष रहा। जब कोई वार्ता लंबी चलती है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आता है। अब आप ये देखिए कि बहुत सालों से संघर्षरत रहे हम बैकलॉग के लिए। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बैकलॉग की। बैकलॉग ऑफिशियली राजस्थान में इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था तो मिलेगा कैसे, टेक्निकल बैकलॉग की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को और अशोक जी को, जिन्होंने खूब मशक्कत करके और पूरी टीम को, अवाना जी, यादव जी और कल्ला साहब को और सबको, पूरी ब्यूरोक्रेसी को। झगड़े काफ़ी हुए, झगड़े होते हैं तभी तो कुछ रिजल्ट निकलता है, नहीं तो अब चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होता। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट बैकलॉग इम्प्लीमेंट हो रहा है MBC कम्युनिटी के लिए, क्लास के लिए। ये राजस्थान में आने वाले MBC समाज की आने वाली नस्लों के लिए और युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा, मैं इतना जानता हूँ। कर्नल साहब का सपना था कि बैकलॉग हमारे राजस्थान में MBC के लिए इम्प्लीमेंट हो, जैसे SC और ST बैकलॉग का बेनिफिट लेते हैं वैसे MBC समाज भी बेनिफिट ले। तो ये आज हुआ, इसका अनाउंसमेंट हुआ, मेरे ख्याल से जल्द, बहुत जल्द हो जाएगा। ये 1252 बच्चे जो थे, जो 900 बच्चे जिनका प्रमोशन हो गया है और जो प्रोसेस में आ गए हैं, उसमें 350 बच्चे रह गए हैं और DPC भी उसकी आने वाली है, शुरू होने वाली है 4-5 दिन में, उसके ऊपर भी बहुत पॉजिटिव रुख है। और आई एम होपिंग कि सेम वर्क, सेम पैरिटी, सेम प्रिंसिपल्स के तहत उनका भी कार्य जल्दी हो जाएगा, जो कि हमको आश्वासन मिला है। और एक बात ये मान लीजिएगा, मैं इतना जानता हूँ, एवरीथिंग कैन नॉट बी ब्लैक एंड वाइट, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ग्रे इन लाइफ। इट इज़ आर जॉब टू मेक दैट ग्रे ब्लैक एंड वाइट, और वो हम लोग बैठ करके कर लेंगे, हम सब मिलके कर लेंगे। जो बातें थी 35% से 40% से 35% करने की कंप्यूटर भर्ती और बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, मूविंग अहेड अगर सारे के सारे एग्जाम्स की पात्रता अगर 35% पे हो जाती है MBC समाज के लिए, इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। फिर आप और बाकी समाज एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आकर के कम्पीट करेंगे। मेरा, हमारा जो, हम पूरी संघर्ष समिति है और जो भाई साहब बैठे हैं, हमारा कोई ध्येय किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, आने वाली यूथ के लिए, आने वाली नस्लों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में फ्लरिश करने के लिए और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए वेयर दे कैन एक्चुअली फ्लाई विद देयर विंग्स ओपन एंड टुवर्ड्स अ फ्यूचर विच इज मोर ब्राइट, मोर पॉजिटिव। ये हमारा ध्येय, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो भर्तियां प्रक्रियाधीन रही हैं, जो रीट 2033 की हैं, और रीट की 233 हैं, 372 हैं, और नर्सिंग 2013 हैं, और बाकी बहुत सारी भर्तियां जो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लोग आते हैं मेरे पास, तो उन सब के लिए हमने कमेटी एक बन गई है, उसके अंदर बैठ करके एक महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। टाइम बाउंड रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम, ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि जनरली कमेटीज बनती हैं फिर पता नहीं क्या होता है, 30 डेज का टाइम लाइन है, सब मशक्कत करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। केसेस की जो बात है, उसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो बेलेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन बेलेबल हैं, जो बेलेबल हैं वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाएंगे, जो नॉन बेलेबल हैं उनकी प्रक्रिया करके निकालेंगे। बट हमारा ध्येय ये, जो हमने सबने बैठ के बात करी है, कि आने वाले करीब 30-60 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 70-80% केसेस का हम निस्तारण कराएंगे, जिससे कि जो बच्चे जिनके ऊपर केस लगे और वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको कम से कम ये स्ट्रेस तो खत्म हो जाएगा कि उनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अभी तक राजस्थान में MBC समाज के लिए हुई ही नहीं थी। एक पत्थर की लकीर, एक मील का पत्थर आज लगा है। हमको जो दिखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, उसका रिजल्ट आज से आने वाले 5 या 10 साल के बाद जब हम देखेंगे, तो हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे, वी विल ऑल बी स्माइलिंग एंड विल बी हैप्पी फॉर व्हाट हैज बीन डन। सो आई थैंक एवरीबॉडी। भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत सत्कार का कोई कार्यक्रम आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने चेतावनी दी थी कि हम भारत जोड़ो यात्रा को रोकें, क्या कहना चाहेंगे? हमने ये कहा था कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, 2019 और 2020 के समझौते लागू नहीं हुए, तो हम विरोध करेंगे, यही कहा था हमने, तो अभी तो हो गए, अब क्या बचा? सहमति सभी मांगों पे हो गई, सहमति हाँ मोर और लेस हो गई है, कुछ ना कुछ तो रह जाता है कभी ना कभी, कुछ बाद में हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मोर और लेस वी आर हैप्पी फॉर व्हाट इज हैपनिंग। 233 अभ्यर्थियों का हो गया सॉल्यूशन?
233 अभी बताया ना आप, सुना नहीं आपने शायद, 233 के ऊपर कमेटी बैठेगी। इट इज नॉट एन इजी डिसीजन टू मेक। अगर ये इजी डिसीजन होता तो हम कोर्ट में नहीं होते। एवरीथिंग एज आई सेड, लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, लॉट ऑफ ग्रे इन इट। समझौता हो जाएगा तो मंत्रियों को हाथी पे बिठाएंगे? हाँ, मैं ढूंढूंगा, अभी यहाँ मेरे मिल जाएगा तो ले आऊंगा। तो आप ये मान के चलते विजय बैसला जी कि अशोक चांदना जी और आपकी जो टीम रही इन लोगों की, इस टीम ने आपके साथ में सामंजस्य अच्छे से बिठाया तभी ये साकार हो पाया मुख्यमंत्री जी? आपको एक बात बताऊं, दुनिया में सब कुछ टीम एफर्ट से चलता है। आज बीडी कल्ला जी यहाँ नहीं है, सम्माननीय है बहुत, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। यादव जी भी है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस व्यक्ति ने हमें समोसे ला करके खिलाया ना, उसका भी उतना ही योगदान है जितना सब और का। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ टीम वर्क एंड आई एम रियली थैंकफुल, टू एवरीबॉडी। हाँ, अवाना जी ने बहुत सपोर्ट किया, सब ने सपोर्ट किया, गेरा जी ने तो एक्स्ट्रा सपोर्ट किया। सो इन द होल प्रोसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ टीम वर्क इट इज गुड एंड इट टॉक्स अ लॉट अबाउट द फ्यूचर टीम वर्क। एटलीस्ट जो एक डेढ़ महीने की जो मशक्कत रहेगी उसमें बहुत अच्छा रहेगा। आई एम वेरी हैप्पी। अब क्या मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं? पूरा एमबीसी समाज आपको सुन रहा है, उन्हें क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? यात्रा को लेकर मैं देता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं पूरे एमबीसी समाज को और खास करके एमबीसी समाज के युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से। दूसरों के झंडे उठाना बंद करें, अपनी पढ़ाई के झंडे उठाएं, नहीं तो अगला बंदा तो झंडा लेके आगे चला जाएगा और आपके हाथ में केवल डंडा रह जाएगा और वो डंडा आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। प्लीज स्टडी। आप 18 जो भी व्यक्ति 17 से लेकर के 25-27 साल की उम्र का है उसको अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे, अपने करियर पे और अपनी जिंदगी बनाने के लिए करना चाहिए। जिसको पॉलिटिक्स करनी है करे, बट बच्चे हो जाएं, घर में कम से कम 20-25 लाख रुपए सेविंग आ जाए, उसके बाद जितनी पॉलिटिक्स करनी है करिएगा। जिसको पॉलिटिक्स एज अ करियर ऑप्शन चूज करना है वो पॉलिटिक्स एज अ करियर ऑप्शन चूज करके उसमें आगे बढ़िए। बीच की मझधार में मत चले जाइएगा, डूब जाओगे भाई। ये मैं पूरे समाज को, एमबीसी समाज को तो कह ही रहा हूँ लेकिन बाकी हर समाज के हर युवा को मेरी तरफ से एक छोटी सी सिफारिश भी है और एक डायरेक्शन भी है। यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यात्रा के लिए अच्छा है, आइए, स्वागत है राजस्थान में। यात्रा की बात भी करूंगा लेकिन उसके साथ साथ मैं राजनीतिक बात भी करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि राजस्थान संस्कृतियों का प्रदेश है, हमें राजनीति संस्कारों से करनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि यात्रा आ रही है, स्वागत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अतिथि देवो भव का देश है, आना चाहिए, हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है। सर, कुछ नेता है समाज के, राजनीति तो करते हैं लेकिन समाज के साथ आकर के खड़े नहीं हुए, उनके लिए क्या मैसेज है? 2023 कुछ नहीं। क्या क्या प्रश्न है आपका? कुछ नेता है जो राजनीति तो करते हैं लेकिन समाज के साथ आके इस आंदोलन में खड़े नहीं हुए आपके साथ में? तो पहले से तो बैठे तो हैं, ये समाज के समाज के तो हैं। और जो नेता है जो नहीं है? जो नहीं है वो आप उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? अभी जिनके लिए आपने निशाना साधा? मैंने कोई नहीं साधा। सर, इनका सवाल ये था कि आपके शब्दों को लेकर एक विधायक ने, आप ही के तबके के विधायक ने सवाल उठाया कि आप धर्मेंद्र से मिले, क्या चर्चाएं हुई, क्या बातें हुई? इस अच्छी अच्छी मीटिंग को अच्छी रहने दो। नहीं नहीं, मैं दे देता हूँ, बहुत अच्छा सा जवाब दे देता हूँ उनको। हम तो सबसे मिलते हैं, ठीक है, कल मैं आपसे भी मिलूंगा तो उसमें भी कोई राजनीति थोड़ी हो रही है। जिसकी जो जिसके जैसे भरम वैसे उसके कर्म, ठीक है, मेरे को इसमें कुछ नहीं कहना। पूरा राजस्थान किसी भी कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हम सब घर में भाई बहन ही हैं, कोई फर्क नहीं है किसी में। रोटी सबके घर में एक जैसी ही बनती है, किसी के घी ज़्यादा है, किसी के कम है, कोई घी, कोई शक्कर खाता है तो कोई गुड़, ठीक है, मरते हैं तो सब एक ही जगह जाते हैं, तो ये कोई कॉन्वर्सेशन करने की बात ही नहीं। वी हैव टू राइज बिहाइंड दिस। अच्छा, एक जवाब दे दीजिए, आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? ये समय बता देगा, ये आज का मुद्दा समय बताएगा।
और आप जहां से बोलोगे मैं वहां से लड़ लूंगा। और मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गंगानगर से भी लड़ लूंगा, मेरे को टेंशन नहीं। लड़ेंगे हाँ लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, इशू है सर, पांचना बांध को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, वार्ता से बाहर जाते हैं, वहाँ क्या अपील आप करना चाहेंगे वहाँ के लोगों से, शांति बनाए? हाँ, पांचना बांध में मैंने देखा जो स्थानीय मंत्री हैं, नेताजी हैं, मंत्री नहीं है, MLA साहब हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगा कि साहब गुर्जर मैणा की लड़ाई मत कराओ। पहली चीज, हम बहुत समन्वय से रहते हैं, ये पांचना बांध का मैटर पानी वाले लोगों का और बिना पानी वाले किसानों का मैटर है, और कुछ भी हो जाए ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, मैं तो 12 गांव बैंसला के साथ हूँ, गुडला के साथ हूँ, चाहे जो वो हुक्म देंगे वो होगा, और पटेल जो बोलेंगे वही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको आपका मसाला मिल गया। तो ये जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वार्ता के बाद विजय बैसला की ये कॉन्फ्रेंस और साथ में चांदना भी नजर आए, और किस तरह से सहमति बनी है उसको लेकर चर्चा भी की। उन्होंने कहा कई समय से बैकलॉग को लेकर मांग चल रही थी और इससे राजस्थान में MBC छात्रों का सपना पूरा होगा। जो छात्र यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने ये कहा कि वो बीच मझधार में ना रहें, पढ़ाई करें और उस पर ध्यान दें।